जय शनिदेव जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों गुरुमा फिर से हाजिर है आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के जितना आपको इंतजार रहता है उतना मुझे भी इंतजार रहता है आपसे मिलने का तो इसलिए हाजिर हूं बिना समय वेस्ट करते हुए 22 से लेकर 28 अप्रैल आपका कैसा जाएगा चलिए जानते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट 23 अप्रैल मंगलवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी इस दिन हमारी साधना स्थली पर हम एक भंडारी का आयोजन करेंगे आप में से से जो भी भक्त तन मन धन सहयोग करना चाहे आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है जो उसमें चंद्र राशि है उस पर आधारित है अगर नहीं मालूम है तो अपने नाम राशि से भी आप देख सकते हैं ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है कॉमन राशिफल है तो इसमें से मेजर जो भी बातें हैं आपके साथ जरूर मैच करेंगी लेकिन मान लीजिए अगर कोई चीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो समझ लीजिए वो किसी और व्यक्ति के लिए है ये राशिफल हम ज्योतिष की गणनाओं पर और उसके साथ साथ मुझे जो भी आभास शक्ति है जो भी इंट्यूटिवली मुझे पता चलता है उसके माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हर हफ्ते आती हूँ मीन राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा इस हफ्ते में सबसे पहले कुछ लोगों के लिए दिख रहा है अगर आप घर से संबंधित कोई काम करा रहे हैं या किसी तरीके का आपका रेनोवेशन का या इंटीरियर का या किसी तरीके का काम का कोई सा है तो वो इस हफ्ते में आपका समाप्त हो सकता है और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी काम को स्टार्ट करने की तो फिर अभी तो वो नहीं होगा मतलब समाप्ति ज्यादा दिखाई दे रही है इस हफ्ते में कि आपका काम जो है वो समाप्त घर से संबंध में जो भी काम है वो समाप्त होता दिखाई दे रहा है तो वो काफी समय से जो आपको टेंशन चल थी तो वो भी उसके साथ साथ समाप्त हो जाएगी अपने घर के बच्चों का थोड़ा ध्यान रखेंगे उनको फीवर हो सकता है इस हफ्ते में, तो उनका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है उनपे ज्यादा अटेंशन आपको देनी पड़ सकती है अगर बच्चा काफी छोटा है तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको छुट्टी करके उनके पास बैठना पड़ सकता है इस समय में आपका कोई पेट है अगर स्पेशली कैट वगैरह है तो वो कहीं खो सकती है कहीं जा सकती है और फिर से मिल भी जाएगी आ भी जाएगी लेकिन कहीं जाती हुई आती दिखाई दे रही है या कुछ लोगों लोग ऐसा है कि घर में आती है कोई कैट कोई बिल्ली आती है आपके घर में और फिर चली जाती है तो अभी क्या होगा इस हफ्ते में थोड़ा ज्यादा लंबा समय जो है वो चली जाएगी तो आपको टेंशन हो जाएगी कि कहाँ चली गई कुछ लोग जो है वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशली मुझे वो अपने आर्म्स में कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई इस तरीके का Uh, आप एक्टिविटी कर रहे हैं जो अपने आर्म्स को काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो कुछ लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं इस समय में आपको रस्ते पे कुछ चमकता हुआ पत्थर मिल सकता है uh, या फिर कोई चमकती हुई कोई किसी तरीके का भी कोई शीशा वगैरह कुछ मिल सकता है उसे अपने घर लेके आए वो आपके लेला की रहेगा इस समय में अपने मन की बात या अपना सपना किसी को भी मत बताइएगा क्योंकि कोई उसका एडवांटेज ले सकता है कोई आपको गलत चीज के बारे में बता सकता है मिसगाइड कर सकता है तो अपनी बात जो है जितना हो सके आप कम लोगों से इस हफ्ते में शेयर करेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति है आपको लोभ लालच देते हुए फसाते हुए दिखाई दे रहा है और खुद भी इस समय में अगर आपका मन करता है शॉर्टकट करने का कोई गेम वगैरह खेलने का तो प्लीज उससे दूर रहिए क्योंकि कोई शॉर्टकट जो है वो आपको बुरी मुसीबत में डाल सकता है हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों हो चमत्कार इस बार शनि देव ने किस पर कृपा की है चलिए जानते हैं राजेश तुलसी बड़वाई नागपुर से बोल रहा हूँ महाराष्ट्र मुझे गुरु मामलिका मऊली से मैंने जो लॉकेट और अंगूठी मंगवाई थी उसका बहुत ज्यादा मुझे आ, मेरे बिजनेस में और बाकी इसमें यह हुआ है तो मैं आशा करता हूँ रुक्मिणी जी माउली मुझे अपना शिष्य मान ले और मुझे अपना मंत्र दीजिए प्लीज घर पे बैठे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी अगर भगवान शनि देव की कोई विशेष कृपा होती है तो आप एक वीडियो बना करके हमारे जो नंबर स्क्रीन पर आते हैं उस पर भेज सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम आपको भी उसमें फीचर कर सके इस समय कुछ लोगों को उनके घर की चाबी मिल सकती है या आपको गृह प्रवेश हो सकता है आप अपने घर में एंटर कर सकते हैं नए घर में जा सकते हैं रेंट पे कोई नया घर ले सकते हैं कुछ घर की शिफ्टिंग काफी लोगों के लिए दिखाई दे रही है इस समय में मूवमेंट तो है ही आपकी लाइफ में आप अपने काम को लेकर के अपने घर को लेकर के किसी भी चीज को लेकर के कहीं मूवमेंट कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं चीजें थोड़ी तेजी से इस हफ्ते में आपके साथ हो सकती हैं आपको कोई अच्छे लोग मिल सकते हैं जो आपके काम को जल्दी पूरा करा दें आप वो कहीं अटक रहे हैं कोई पेपर वर्क में तो वो आपकी हेल्प कर दें ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है तो आपको पता चल सकता है कि अपने पार्टी पार्टनर के बारे में कि क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्यों वो शादी की बात नहीं कर रहे क्यों घर पे नहीं बता रहे हैं या घर पे उन्होंने बताया तो वहां पे क्या हुआ है तो कुछ ऐसा दिख रहा है जहां आपको पता चलेगा आपके पार्टनर के बारे में कि क्यों उनकी जो जो हिडन फीलिंग्स है 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 अंदर की बात है, वो आपको पता लग सकती है। इस समय धन की बात करें तो धन को लेकर के आप काफी सोच विचार करेंगे काफी परेशान रहेंगे लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है आपका धन कहीं नहीं जा रहा है आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला मुझे दिख रहा है जैसे आप किसी नुकसान के बारे में काफी चिंतित हैं कि ऐसा ना हो जाए चिंता मत करिए ऐसा कोई नुकसान आपका नहीं होगा लाइफ को बैलेंस बनाए रखिए किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य इस हफ्ते में जरूर करेंगे उसके लिए भी समय अच्छा है आपके लिए टेंशन कोई चल रही है तो टेंशन जो है आपकी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और आप नहीं भी होती है तो बिल्कुल जैसे टेंशन को लात मारने वाले हो आप ऐसे सोचोगे हमें टेंशन लेनी नहीं है देखी जाएगी जो होगा तो इस एटीट्यूड में आप जैसे ही आएंगे तो आपको ना यूनिवर्स से काफी हेल्प मिलने लगेगी अगर किसी तरीके का प्रमोशन का वेट कर रहे हैं या पैसा कहीं से आना था किसी डिविडेंड का किसी कमीशन का किसी तरीके के कुछ पैसे की तो थोड़ा सा पैसा इस हफ्ते में आता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने यहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हैं कोई फूल पौधे भी लगा सकते हैं या फूल पौधों को ज्यादा पानी देते हुए मुझे काफी दिख रहे हैं जॉब में है तो आपके बॉस जो है वो इस समय काफी आपसे नाराज रह सकते हैं गुस्सा कर सकते हैं आपको आप अपनी बात इजीली उनको समझा नहीं पाएंगे या वो समझ नहीं पाएंगे कुछ मिसकम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो सकता है ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए अच्छा जाए भगवान की कृपा ऐसे ही आपको मिलती रहे आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं जय शनिदेव जय श्री कृष्ण